एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जी हाँ, अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं सलमान खान, चाहे जितना भी बड़ा गैंगस्टर क्यों ना हो। तो एक बार फिर से सलमान खान यानी चुलबुल पांडे का स्वागत तो करना बनता है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े मीडिया हाउस से ये खबर चल के आई थी कि अब सलमान खान सिंघम अगेन में आपको दिखाई नहीं देंगे सिक्योरिटी रीजन से। लेकिन सभी खबरों को खारिज करते हुए भाईजान ने रोहित शेट्टी से अपनी कमिटमेंट को पूरा कर दिया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये बात 100% कंफर्म है कि इस बार चुलबुल पांडे सिंघम अगेन के पोस्ट क्रेडिट सीन में आपको धमाका करते हुए नजर आएंगे। सलमान खान ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो यारों के यार हैं और दोस्तों के लिए अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटने वाले। बताया जाता है कि रोहित शेट्टी और अजय देवगन से अपनी अच्छी दोस्ती की वजह से ही सलमान खान इस कैमियो के लिए राजी हुए थे। सलमान खान मंगलवार को मुंबई में सिंघम अगेन के लिए अपना कैमियो शूट कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों रोहित शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसके कैप्शन में लिखा था, सिंघम इस हीरो के बिना अधूरी है, इस दिवाली स्कॉर्पियो आएगी भी घूमेगी भी और एंट्री किसी और की होगी। ये वाला सीन तो रोहित शेट्टी ने शूट कर लिया है ब्लू स्कॉर्पियो का। अब देखना ये है कि इस स्कॉर्पियो से एंट्री किसकी होती है। तो दोस्तों, कीजिए 1 नवंबर को सलमान खान के कैमियो का इंतजार। और हाँ, जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके।